हालेलुया, स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी द्वारा लिखा गया है। अपनी आंखों को पवित्र रखें, जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 9 उसकी 20 आयत में लिखा, नूह किसानी करने लगा और उसने दाख की बारी लगाई और वह दाखरस पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि शरीर का दिया आँख है और यदि तेरी आँख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी निर्मल है, यदि तेरी आँख बुरी है तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा है। जब हम बाइबल में नूह के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि नूह दाखमधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया था। उसके एक बेटे हाम ने उसको नंगा देख लिया था और नूह ने अपने उस बेटे को श्रापित किया, लेकिन उसके दूसरे बेटे शेम और येपेत ने उसको कपड़े से ढांप दिया। तब नूह ने उन दोनों भाइयों को आशीष के शब्द बोले और कहा कि हाम इन दोनों भाइयों का दास बनेगा। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो लिखा है कि हाम की आंख निर्मल नहीं थी, यानी पवित्र नहीं थी, इसलिए वह अपने ऊपर श्राप को लेकर आया, लेकिन उसके दोनों भाइयों की आंखें पवित्र थी, बुरा नहीं देखती थी, इसलिए उन्होंने अपने जीवन में आशीषों को पाया और अब्राहम नूह के अच्छे बेटे का वंश ठहरा। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि मैं तुझे कनान देश दूंगा, तेरे वंश को आशीषित करूंगा। उसकी इस आशीष का कारण क्या था? यही कारण था कि उसके वंश की आंख निर्मल थी, पवित्र थी। मेरे प्रियो, याद रखें, अगर आपकी आंख गंदा या बुरा देखती है तो आप अपने जीवन में दुखों श्रापों और बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। जैसे हाम ने अपने पिता नूह को नंगा देखा और अपने ऊपर श्रापों को लाया, यदि आपकी आंख निर्मल है यानी बुरा या गंदा नहीं देखती तो आप आशीषित होते हैं और आपका जीवन उजाला होता है, जैसे शेम और येपेत आशीषित हुए और आगे उनका वंश अब्राहम भी आशीषित हुआ। मेरे प्रियो, अगर आज आप ब्लू फिल्में देखते हैं, किसी लड़की को देखकर उसके बारे में गलत सोचते हैं या उसको गलत नजर से देखते हैं, तो फिर आप अपनी आंख को बचाकर सुरक्षित नहीं रखा, तो फिर आप गलत हैं। आपने गलत देख तो लिया, लेकिन उसका परिणाम भी आपको ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाकर आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अगर आपको परमेश्वर के वचन के बारे में पता है तो आप कभी नहीं फंसेंगे, क्योंकि शैतान उन लोगों को फंसाता है जिनके पास वचन नहीं है। इसलिए आपको जानना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उसी के अनुसार आपको चलना है। इसलिए मेरे प्रियो, ये आपको तय करना है कि आपको अपनी आंखों को निर्मल यानी पवित्र रखकर परमेश्वर के जन खुदा के दास बनना है, या अपनी आंख को बुरी रखकर शैतान के दास यानी बीमारियों श्रापों के दास बनना है। यह आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो उसे छोड़कर आप एक छोटा फोन भी ले सकते हैं, और जब आपकी जिंदगी आपकी आंखें निर्मल हो जाएं तो फिर आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन पर चलकर ऐसा करेंगे तो आपका सारा जीवन उजाला यानी आशीषों से भरा होगा। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं अपनी आंखों को नियंत्रण में रखूंगा और आपके वचन को नहीं तोड़ूंगा और तेरे वचन के अनुसार चलूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें, आमीन।